पहले तो मैं अपने चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार चौधरी को कहना चाहता हूँ कि दादू के ख्वाजा सरा से जो जुल्म होता है, जो भी हुआ है हमारे साथ, मैं इधर का सदर हूँ, मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे बाल काटे गए, मेरे को निशान देखो, मेरे से बदमाशी हुई है नशा करके, ये क्यों किसी लिए, हम कहाँ जाए, हमें ऐसी कोई जगह दिखाओ, बंदूक लगा दो हमारे को, जहर दे दो, हम पैदा नहीं, पुलिस ने कुछ नहीं किया है, कोई मदद नहीं की है, कल से मैंने एनसी कटवाई है, कुछ नहीं हुआ है, मैं चीफ जस्टिस को अपील करता हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं हुआ है, मैं कितना परेशान हूँ, 8 दिन से मेरे लिए कुछ नहीं हुआ है, देखो मेरा चिट्ठा सिर्फ 45 साल में हूँ मेरे, देखो मेरे निशान देख के आप कोई भी दादू का आदमी बोले मैं किसके साथ बदतमीजी नहीं करता, कोई भी बोल के जाए, मैं सबके से मोहब्बत करता हूँ, ये मेरे साथ जुलम हुआ है, मेरे को इंसाफ चाहिए, कोई इंसाफ नहीं करता है, कोई भी इंसाफ नहीं करता है, कोई फैसला नहीं हुआ, कोई फैसला हमने अपने क्रिकेट के लिए चीफ जस्टिस गवर्नमेंट दादू ने मरा के कैंप लगाया, आग लगा क्या और आप बाहर करेंगे, नहीं हो सकता है, हम खुद को इधर जलाएंगे, जब तक हमारा फैसला नहीं होगा हम कहाँ नहीं जाएंगे, हम इधर ही बैठे हुए बैठे रहो तो।